सुने ना, अरे प्रशासन से पहला गोली हम कहेंगे, बैठे का है जी। अभी हम लोग हैं कपूरिया मोड़ में, हम चार गाड़ी लिफ्ट मांग के हम आए हैं, एक कोला कुसमा से सरायढला थाना, फिर वहाँ से हीरापुर, उसके बाद हीरापुर से स्टेशन एगो गोविंदपुर का सब्जी वाला। अब स्टेशन से एगो पुलिस वाला मिला हमको, जवान मिला, वो हमको कपूरिया मोड़ 5 मिनट में पहुँचा दिया, वो भी गया रांची। तभी हम लोग रांची का ही तैयारी कर रहे हैं, जा रहे हैं, दो चार और दोस्त आने वाला है, रोड में कोई नहीं है, सुबह सुबह कितना अच्छा मौसम है, कभी निकलो उठो तब पता चलेगा, ठीक ना। तो आगे का और दिखाते हैं, चलो। हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखिए अपने 1932 अभियान को लेकर हम लोग माए माटी की लड़ाई में हम लोग कुछ ही दूर में रुके हुए हैं, कुछ ही देर में हम लोग विधानसभा की ओर जाने का प्रयास करेंगे। ठीक है तब मिलते हैं उधर। जय झारखंड। संतोष है, ठीक है, इसको इसको चार जगह पे पकड़ के 200 रुपया करके पैसा लिया पुलिस, और ये हम झूठ नहीं सही बोल रहे, समझे। जो ये पहाड़ है, थोड़ा शर्म का बात है कि ये इतना कचरा हम लोग मतलब शहर वाले बनाते हैं, ठीक है, और गांव में और शहर में यही डिफरेंस है, कितना बड़ा कचरा है, कचरा का ढेर है। आपको अगर दिख रहा होगा तो देखिए धुआं निकल रहा है ना, कभी ख़त्म ही नहीं कर पाएगा ये, हर दिन हम लोग गंदा फैलाते हैं शहर से, हर नाली से गंदा ही निकलता है, कहीं ना कहीं नदी में जाके जुड़ता है, इसीलिए अभी आजकल हम लोग खरीदा हुआ पानी पी सकते हैं शौक से या मजबूरी से, अभी हम लोग डायरेक्ट कहीं नदी का पानी नहीं पी सकते क्योंकि नदी अब हो गया नाला। अब देख लो जरा कचरा, हर दिन ट्रैक्टर घुसता है यहीं पे रखेगा ना, कहाँ लेके जाएगा, देखिए कचरा देखिए। पारस नाथ देखे थे भाई, तू कल नहीं कभी यहाँ पर है ना, पूछ ले गए पान बना दिए, कितनी तारी लग रही थी बना दिए। आ गए हम लोग विधानसभा के पास, बहुत सारे पब्लिक है इधर, इधर देखो ना, इधर इधर क्या यहीं आए हैं अभी हम लोग, आ गए हैं रांची और यहाँ पे पप्पू का गाड़ी, कुछ कुछ गाड़ी पहचान में आ रहा है क्योंकि सारा वही था, और भी अबे ये सीक्रेट सुपरस्टार है, ठीक है, हमरे लिए ये लोग सब आया, मास्क लगाए खोले नहीं है इसीलिए सब कोई नहीं देख रहा, ठीक ना। देखो बच्चा लोग पूरा जयराम नगर का उड़ाती है, बड़ा मजा आ रहा है, वीडियो में देखे तो उतना मजा नहीं आ रहा था लेकिन यहाँ पे तो सही में बड़ा मजा आ रहा है, इधर ही पास करो। निवारक दंडात्मक भी निरोध और निवारक विरोध, हमने भी पढ़ा भारतीय संविधान अनुच्छेद 22 में स्पष्ट उल्लेख है, लेकिन वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, वह कोई अपराधी होना चाहिए, उसका छवि खराब होना चाहिए, अरे हम तो पीएचडी के छात्र, हमको बैरिकेडिंग लगा के रोक रहे हैं, अरे पेपर में कोई दिन हटो डाला है कि कोई एगो पहाड़ है जकर में प्रत्येक दिन 100 गो सखुआ के पेड़ काटल जाए, कहा करो बागमारा लगो, हाय रे सखुआ के लिए काटो पता हो, क्योंकि सखुआ झारखंड के कल्चर लगो, और सखुआ के बारे में कहा गया कि सखुआ पे 100 साल गड़ा, 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा। क्या बोले
है, दीदी लोग थी जो वो हम लोग को ये वाला दे दिए खाने के लिए, हम लोग को बहुत जोर से भूख लगा। एक और है, एक और है, एक और है भुंजिया पूरी। अरे वो केचप है रे, केचप है जो लोग बैरिकेडिंग तोड़ के गए हैं पीछे आए, आप लोग पीछे जाइए, पीछे जाइए, सुनिए पहले जाइए, हम लोग बैरिकेडिंग से पार नहीं होंगे, हम लोग खेत से जाएंगे। हम लोग बैरिकेड से नहीं जा रहे, खेत खेत जा रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। गर्दा बना गर्दा, एक नंबर। जवान लोग भी है, कूद के पार हो जा रहा जोड़िया नदी नाला, देखिए समझे की जन सैलाब देख लीजिए इधर का, यही लड़का भड़काया सबको। एक लड़का खुद के पार हो रहा था, वो पानी में गिर गया है, हालांकि ज्यादा गहराई पानी नहीं है। लजा गया बेचारा। पहली बार हम ऐसा रैली में आए हैं, मजा आ रहा भाई, बिना कोई खर्चा कर रैली है भाई। रवि को भी देख लीजिए जरा, प्रभाषण दे रहा झूठ मूठ का। बाप रे बाप। तो अभी हम लोग आ गए हैं रांची के विधानसभा पीछे वाले गेट पे, और जयराम दा अभी कुछ बोले नहीं है, अभी यहीं पे खड़ा होकर इंतजार करना है, जैसे ही आदेश मिलेगा उधर अंदर जाना है या फिर क्या करना है वो देखा जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, टू घंटा धरना देना है और अभी तक शांतिपूर्ण। अभी हम लोग यहाँ पे भीड़ में खड़ा है, प्रशासन रोका हुआ है सारा भीड़ को। हम लोग अपना बचपन का स्कूल का बात करें, दून पब्लिक स्कूल। रवि बाबू बोलो। तो जैसे कॉरिडोर में खेल रहा था ना, तो हम थे और इंद्रजीतवा बस जीता था एक साइड, और एक साइड शिवम मां, और रोशन वाला लोग सब मर गया था, अरुणवा मर गया था। अब वो साला आया उधर से कबड्डी कबड्डी खेल रहा था, अब कैसा जो उसको पकड़ा ना भाई, और बैठा ना हम खाली छुए पटाक से बच के समझा, और यहाँ से पैर टूट गया टूट गया। और वो क्या बोल रहा है कि अबे इसने पैर टूट गया सबको समझा, और हम कौन चीज देखने, कोई नहीं, कोई सब भाग गया, सब एक भी कोई नहीं था, हम और खाली बंदरवा है, ठीक है। और ऐसे देख रहे ना, मौजा पहना होता भाई, हड्डी सब ऐसे ऐसे हो गया, मतलब मराया आज ही सब लोग को समझा। अब रूम गए, देख रहे सब बोल रहा आज सबका क्लास लगने, वो बाद में रोने लगा कि अभी ऐसे पैर टूटता है बे, रोने लगा भाई। उसके बाद प्रिय रंजन में दिमाग लगाया, नीचे और भी लड़का लोग खेल रहा था, भैया ऊपर आया ना, सीढ़ी का पैर टूट गया, सीढ़ी से गिर गया, तो पैर टूटता है, ऐसे किसका पैर टूटता है यार बीच से। वो लड़का था तो बचा लिया वाला था भाई, कुछ बोला नहीं डायरेक्टर सर को, नहीं तो बड़ी मार मारता हमको, तो पूरा मार। हम लोग ऐसे स्कूल में बहुत मार खाए हैं। रवि भी गुड्डू कोई न्यूज लेके आया क्या, क्या बोल रहा, क्या हुआ? काश यहाँ भी ऐसा ही नीति लागू हो जाए, और ये सब सारी झारखंड सरकार से मांग रखी गई है, जैसा कि आप फाइनली लोग निकल चुके हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मनोहर शर्मा था। क्या क्या बातचीत हुई सर सरकार से, आप कुछ बताना चाहेंगे कुछ आपके मौजूद? आज झारखंड सरकार जिस तरह का रवैया दिखा रही है, जिस तरह का एक क्रूर सत्ता का जो लालच दिखाकर जो लोगों को रोकने का काम कर रही है, यह काफ़ी निंदनीय है। वो छात्रों से ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे छात्र नहीं। हमने तो अभी नहीं रांची आए, लियो फैसला है लो कि नहीं, उठा बाद पता चलता है। फोन ढूंढ लेंगे, एटी पानी ले आनी है, देखनी दूध दही सब सही, के लिए आना जरूरी था, वैसे हम लोग को खाना जरूरी है।